हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बंसल न्यूज की ओर से हम श्री वीडी शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बंसल न्यूज ने आज महाकौशल क्षेत्र के इस बेहद शानदार जिले बालाघाट को चुना है विष्णुदत्त शर्मा जी के आगमन के लिए। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका बंसल न्यूज के इस इवेंट गतिमान बालाघाट में हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, 2019 में सांसद बनने के बाद वो पहली बार बालाघाट पहुंचे हैं और आज उनके स्वागत के लिए बालाघाट जिले ने पलक फावड़े बिछाए हुए हैं। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ बालाघाट की सरजमीन पर बंसल न्यूज के संपादक श्री शरद द्विवेदी जी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी हमारे बीच में हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन जी, सुश्री हिना कावरे जी, श्री सम्राट सिंह सरस्वार जी, आप सभी का, श्री रमेश भटेरे जी, श्री राजेश पाठक जी, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जिले के दोनों प्रमुख अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी और श्री विवेक कुमार जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं माननीय वीडी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने उन्हें नमन करें। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ, कैसे हैं? तो देखिए, अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बालाघाट के इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जहां पर बालाघाट के विकास को कैसे गति दी जाए इस पर चर्चा चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि हर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से होती है और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी का अब इस कार्यक्रम स्वागत करते हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर आए। श्री शरद द्विवेदी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्री वीडी शर्मा जी को मंच पर लेकर आएं और बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं श्री शरद द्विवेदी जी से चाहूंगा कि आप श्री वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की एक बहुत खास बात है कि 7:30 बजे तय समय के मुताबिक श्री वीडी शर्मा जी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और बहुत ज्यादा औपचारिकताएं ना करते हुए, चूंकि श्री शर्मा जी बालाघाट आए हुए हैं, यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, एक बहुत ही पारंपरिक यहाँ की गौरवशाली यहाँ का इतिहास है, यहाँ की बैगा संस्कृति, यहाँ की गूंडी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हुए एक छोटे से डांस यहाँ की नृत्य प्रस्तुति के लिए मैं सबसे पहले इस प्रस्तुति के बाद हमारा माननीय वीडी शर्मा जी के साथ बातचीत 8 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रस्तावित है। अगले 10 मिनट में हम जो हमारे बाद के कार्यक्रम थे, जो सम्मान हम लोग करना चाहते थे, वो प्रक्रिया हम पहले पूरी कर लेते हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर देता हूं श्री रामकिशोर कावरे जी, आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं आमंत्रित करता हूँ बालाघाट सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन जी। मैं आमंत्रित करता हूँ भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रमेश भटेरे जी। आप लोगों की मौजूदगी में हम यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं।
सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे कार्यक्रम के, उन्हें हम मंच पर बारी बारी से इंतजार करेंगे। आप अपने नाम के क्रम के अनुसार यहाँ पहुँचते जाएं। कॉर्ड वेंचर जो कि हमारा आज के कार्यक्रम का इवेंट पार्टनर है, इससे हम आशीष कांकरिया और श्री निशांत पगारिया जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि आप आएं। आपको हमारे अतिथिगण माननीय वी डी शर्मा जी के हस्ते एक ट्रॉफी दी जाएगी बंसल न्यूज़ की तरफ से, जो हमारी तरफ से हमारी भावनाओं का इजहार है, आप लोगों के हमारे साथ जुड़ने का प्रतीक है। श्री आशीष कांकरिया जी, श्री निशांत पगारिया जी, मैं चाहूंगा इस व्यवस्था को ठीक तरीके से आप रचना मिनरल्स से मैं आमंत्रित करूंगा पवन पाठक जी जो कि युवा उद्यमी हैं। पवन पाठक जी रचना मिनरल्स से हमारे आज के इस कार्यक्रम के इवेंट पार्टनर, सबूरी सिक्योरिटी से मैं प्रतिनिधि के तौर पर श्री प्रताप पटले जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएं और उनके स्थान पर सम्मान लें। क्योर एंड केयर डेंटल क्लिनिक की ओर से डॉक्टर अमित बिसेन, अगर यहां मौजूद है तो आप मंच पर आएं। ऐशना सृजन नेचुरल फार्म्स की ओर से श्री अजय पटले यहां आएं। अनिंदिता एडवेंचर की ओर से मैं शंकर बागड़े को आमंत्रित करूंगा। आप आएं शंकर बागड़े, अनिंदिता एडवेंचर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ओर से मैं, उनके कुलाधिपति भी यहां मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रतिनिधि को यहां भेज दें। बेबी वर्ल्ड से सौरभ हरिणखेड़े। आज इस गरिमामय आयोजन को हम जिस स्थान पर कर रहे हैं, नूतन कला निकेतन, नूतन कला निकेतन के प्रतिनिधि के तौर पर मैं श्री शलभ बनवाले जी को यहां आमंत्रित करूंगा। आप आएं। श्री शलभ बनवाले नूतन कला निकेतन की ओर से, साथ ही शलभ नूतन कला निकेतन की ओर से स्मारिका भी देना चाहेंगे वीडी भाई साहब को। ये बहुत ही अद्भुत संस्था है, मैं आपको बता देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक और रंगकर्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही है, और उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर शलभ बनवाले हैं। शलभ आपको स्मारिका भेंट करेंगे। आदिनाथ एंटरप्राइजेस की ओर से प्रतिनिधि यहाँ आए। जेके मेंस कलेक्शन की ओर से श्री जैनेन्द्र कटरे यहां आए। जेके मेंस कलेक्शन और पद्मेश फाइबरनेट की ओर से मैं पद्मेश बागरेचा से कहूंगा कि आप यहां आए। पद्मेश बागरेचा, ये हर जगह होता है जहां पर प्रतिभाएं होती हैं और प्रतिभाओं का सम्मान तो किया ही जाता है। तो ऐसे ही चुनिंदा हमने शख्सियतें चुनी हैं, जिनका सम्मान किया जाना है। सबसे पहले गौ सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे निमित्त वैद्य को मैं यहां बुलाऊंगा कि आप गौ सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, शायद ही आपको कभी किसी ने इस तरीके से दिखाया हो, बताया हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे मंच से आपका सम्मान हो, यह हमारा भी सम्मान है। निमित्त वैद्य, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे ग्रामीण अंचल के कुछ युवाओं ने एक अपना परिवार नाम का संगठन बनाया है। ये अपना परिवार गांवों में जाता है, गरीबों के बीच जाता है, जरूरतमंदों के बीच जाता है, उनकी उनकी जरूरतों के सामान जुटाता है अपनी सीमित अप्रोच से और काम करता है। ऐसे ही युवाओं पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने चाहा कि हम उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित करें। और हितेश अजीत के साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप सभी यहां पर आए। एक शिक्षिका हैं तिलोत्तमा कटरे जी, जो कि अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा, कुछ या यूं कहें कि आधा हिस्सा बच्चों के ऊपर लुटा देती हैं। वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। दीपावली के मौके पर हमने देखा कि अपने सरकारी स्कूल में उन्होंने अपने खर्च पर काम किया। तिलोत्तमा कटरे आप यहां आए। डॉक्टर रोहित गुप्ता, जिन्होंने कोविड के दौर में बहुत बेहतरीन काम किया था। डॉक्टर रोहित गुप्ता देखिए किस तरीके से उनके समर्थन में, उनके स्वागत में यहां तालियां बजी हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता जाना पहचाना नाम है। तिलोत्तमा जी आप, मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले सम्मान प्राप्त करें, फिर डॉक्टर साहब।
आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के लिए जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं निदान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विकास बिसेन, डॉक्टर विकास बिसेन यहाँ तिलोत्तमा कटरे जी डॉक्टर विकास बिसेन यहाँ अगर मौजूद हैं तो आएं और सम्मान लें, अगर वो नहीं है तो उनके स्थान पर मैं डॉक्टर अमित बिसेन से कहूँगा कि वो आप यहाँ आएं। कवियत्री तृप्ति माहुले अगर यहाँ मौजूद हैं तो आप आएं, आप बहुत आला दर्जे की आपकी सोच है, आपकी रचना है, आपके विचार हैं, और अगर हालांकि आप तो मंच की मोहताज नहीं हैं फिर भी हमारे मंच पर आपका आना हमारी गरिमा बढ़ाता है। श्रीमती तृप्ति माहुले आप आइए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे, उनकी ज़रूरतों में, उनकी आपदा में, उनके खुशियों में शरीक होने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं रामेश्वर कटरे। रामेश्वर ग्रामीण अंचल के युवाओं के बीच जाते हैं, स्कूलों की उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, दूसरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो मंच पर आए। रामेश्वर कटरे आपका माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय रामकिशोर कावरे जी आपका स्वागत करेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे पन्नालाल नकपुरे जी यहाँ आएँ। ये सभी वो युवा हैं, वो साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, सुदूर इलाकों में काम करते हैं, जिन पर मीडिया की नज़र नहीं जा पाती, लेकिन अगर हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक इसे देख पा रहे हैं तो यह बहुत खुशी की बात है। भारत दिव्यांग विशेष विद्यालय से मैं भारत मेश्राम को यहां पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए। भारत मेश्राम जी, मैं चाहूंगा थोड़ी रफ्तार बढ़ाई जाए ताकि ये कार्यक्रम जल्दी हो। और सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य पंडित जी को मैं यहां आमंत्रित करूंगा कि आप आए। सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे श्री अजय मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप प्रखर वक्ता हैं और बालाघाट जिले में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विगत 3 दशक से सक्रिय हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस जिले की नब्ज को समझते हैं। आदित्य पंडित जी अजय मिश्रा जी, मैं माननीय शरद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे श्री वीडी शर्मा जी को बंसल न्यूज की तरफ से मोमेंटो दें। वीडी शर्मा जी विगत कई वर्षों में पहली बार बालाघाट आए हैं, और जब बालाघाट आने का ये अवसर है तो ये विशेष तो होगा ही। श्री शरद द्विवेदी जी वी डी शर्मा जी को मोमेंटो दे रहे हैं। शरद जी के आग्रह पर मीडिया के हमारे साथी रहे, और इस वक्त वी डी शर्मा जी की टीम का हिस्सा श्री जुगल शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो अपने सहयोगी का स्वागत करने में हमें बहुत खुशी होगी। और जब शरद जी ने हमसे कहा कि जब वो बालाघाट पहुंचे हैं तो उन्हें हम एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहेंगे। श्री जुगल शर्मा जी, एक अंतिम सम्मान यहाँ पर बाकी है। सर्व ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राजेश पाठक जी, और वो चाहते हैं कि उनके वो सम्मान पत्र देना चाहते हैं श्री वी डी शर्मा जी और श्री शरद द्विवेदी जी को। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं राजेश पाठक जी के साथ, श्री अजय मिश्रा जी, श्री पवन पाठक जी, संध्या दीक्षित जी, आदित्य पंडित जी और आपका प्रतिनिधिमंडल, आप आएँ और श्री वी डी शर्मा जी को सम्मान पत्र दें। सामाजिक संगठनों के सहयोग के बिना समाज रफ्तार नहीं पकड़ता है, और जब विभिन्न क्षेत्रों से ये समाज जुड़ते हैं, ये लोग जुड़ते हैं, ये समाज सेवी जुड़ते हैं, ये कार्यकर्ता जुड़ते हैं, ये राजनीतिज्ञ जुड़ते हैं, तो ये अनूठा समागम होता है और ये एक विशिष्ट अनुभूति देता है। तो यही अनुभूति हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं और इस गरिमामय कार्यक्रम में आप भी उसे महसूस कर पा रहे होंगे। वी डी शर्मा जी के साथ ये प्रतिनिधिमंडल श्री शरद द्विवेदी जी को भी सम्मान पत्र देना चाहता है। कृपया ऐसे खड़े हों कि ये अनूठा कार्यक्रम है जिसमें
जो अंत में होने वाली चीजें हैं वो शुरू में हो गई, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से तय हुआ है, प्राइम टाइम में ही हम भाई साहब से बातचीत कर सकते हैं। आधे घंटे का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है बातचीत का, तो 8 से 8:30 मैं फिर अपील करूंगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों से कि आप एक बेहतरीन बातचीत का हिस्सा बनिए, बेहतरीन बातचीत को होते देखिए। इसके बाद मैं हमारी इवेंट टीम से चाहूंगा कि जल्दी से सेटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि 1-to-1 बातचीत के लिए सेटअप तैयार हो जाए। मैं हमारे सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप प्रथम पंक्ति में स्थान लें। श्री रामकिशोर कावरे जी, श्री रमेश भटेरे जी, सांसद डाल सिंह बिसेन जी, आपसे आग्रह है मेरा कि आप प्रथम पंक्ति में स्थान लें, हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। इवेंट टीम, आप बहुत जल्दी व्यवस्था तैयार करें 1-to-1 बातचीत के लिए। देखिए, कुछ ही देर बाद हम बालाघाट के विकास पर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ खास बातचीत हमारे न्यूज एट शरद द्विवेदी जी करेंगे और इस चर्चा का इंतजार सभी को है, दर्शकों को भी है। और जल्द से जल्द अब बातचीत होगी बालाघाट को किस तरह से विकास के पथ पर और गति मिले, क्या कुछ योजनाएं बनाई जाए, किस तरह से रोडमैप तैयार हो बालाघाट को एक विकसित क्षेत्र बनाने का, जिला बनाने का। बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंच पर मौजूद हैं। शरद द्विवेदी जी को मंच सौंपता हूं। बहुत धन्यवाद निशांत, और वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार है। और मैं सबसे पहले तो एक मध्य प्रदेश से थोड़े से दूर, अब दूरियां बहुत अधिक नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी एक आदिवासी बहुल जिले के प्रति प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का अनुराग है कि अपने तमाम संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमारे आमंत्रण पर उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए भी सहमति दी कि वो मीडिया के माध्यम से बंसल न्यूज़ के जरिए विकास की अपनी चाह को, इच्छा को, भारतीय जनता पार्टी के स्वर को हमारे साथ साझा करें। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, बहुत आत्मीयता से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके भावों को, उनके मनोभावों को, खासतौर से चौथे स्तंभ के प्रति जो उनका एक स्नेह है, उसको हम सब जितनी सहजता से वो हम सबके लिए उपलब्ध होते हैं, ये परंपरा बहुत स्तुत्य रही है भारत में। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये अनइंटरप्टेड आगे भी जारी रहेगी। मैं बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हृदय से करता हूं। धन्यवाद सर जी, बहुत। और आपके व्यस्त कार्यक्रम को, एक जनप्रतिनिधि को, अभी इनको जाना है जबलपुर और जबलपुर से पन्ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ये पन्ना पहुंचेंगे। एक जनप्रतिनिधि का सफर किस तरह का होता है, ये आप हमको मुश्किल से 3 या 4 घंटे की नींद होती होगी और निरंतर सफर है जी। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बालाघाट को आप जिस रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, एक बहुत सुंदर ज़िला जहाँ विकास की अनंत संभावनाएं हैं, इसके सांस्कृतिक और इसके जनजातीय स्वरूप के साथ इसका विकास आगे बढ़े, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, क्योंकि जनजातियों पर आपका बहुत बीजेपी का केंद्र बिंदु है इस समय जी। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका, बंसल न्यूज़ का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत बालाघाट से की है और आपने मुझे यहां बालाघाट आमंत्रित किया। इसके लिए भी मैं आपका, आपके समूह का और बालाघाट के जो प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर है उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत सही कहा, मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बालाघाट से मेरा संबंध आज का नहीं, बड़े वर्षों पुराना है।
जब मेरी कल्पना नहीं थी कि मैं भारतीय राजनीति में या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ कदम रखूंगा, एक मन के अंदर यह था कि छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए और छात्रों के लिए कुछ काम करना है। तब उस समय में बालाघाट और यहाँ बैठे हुए लोगों में और बालाघाट के यूथ के बीच में बहुत लंबे समय तक मेरा यहाँ यानी मलाजखंड तक जब बालाघाट को फोकस किया जाता था कि नक्सलवाद यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं था, इफेक्टिवली काम करने का प्रयास कर रहा था, तब भी मैं यहाँ बालाघाट के अंदर आया हूँ और यूथ के बीच में उस समय मैंने काम किया है। इसलिए बालाघाट को गहराई से मैंने देखा है। इसलिए आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांस्कृतिक और यहाँ का जो एक जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि जनजातीय क्षेत्र में और जो दूरस्थ हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हम फोकस करके उनके विकास को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करें। और इसलिए मुझे आज बताने में ये बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से नेतृत्व करना शुरू की है, दूरस्थ क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को विकास के नाते से फोकस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बालाघाट उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है और आज जो नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, हमारे भाऊ अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गौरीशंकर विशेन हमारे विकास के यहाँ के एक बड़े प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं, रामकिशोर कामरे नौजवान हमारे आज मंत्रिमंडल में नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेतृत्व की दृष्टि से इस रीजन से कैसे उभर के आ सकते हैं। आज भी बड़ी लंबी श्रृंखला यहाँ पर बैठी है जिनमें से लोग उभर करके आएंगे, उनका नाम अभी मैं लेना उचित नहीं मानता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कल उभर करके आएंगे। तो नेतृत्व की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्र में उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो मुद्दों पर भी कि बालाघाट जैसे शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमिट करना कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बालाघाट के अंदर आएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर गहराई से कहा। और इसलिए इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, चाहे निजी तौर पर हो या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम राइज स्कूल से लेकर के कई प्रकार की चीजें जो हों, और सड़क बिजली पानी जो प्रारंभिक ऐसी आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की, इन पर जो काम हुआ है तो आज विकास का एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि आज हम दौड़ने के लिए, जो आपने कहा कि गतिमान बालाघाट, अब ये बालाघाट दौड़ने के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश के अंदर ये बालाघाट दौड़ेगा ही नहीं, ये इस रेस के अंदर मैं तो बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, जब बालाघाट घुसते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं को देखते हैं, तो हमारा मन भी अपने आप को बड़ा ही लगता है कि कहाँ हम आ गए। तो ये जो क्षेत्र है सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना, इस क्षेत्र के अंदर जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दिशा में एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट गति के साथ दौड़ते हुए इस मध्य प्रदेश में एक नंबर जिला बनने का प्रयास इस सभी के नेतृत्व में करने का प्रयास करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की है और मैं देख रहा हूँ कि बालाघाट से आपका अनुराग एक तो बहुत पुराना है और जितने आत्मविश्वास से आपने बालाघाट के आगे बढ़ने की बात की है, यहाँ मैंने लोगों से जब बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, तो उनकी एक अपेक्षा ये भी है कि कभी प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो और इस आदिवासी बहुल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस ज़िले में, संगठन के मुखिया हैं आप और अभी आपने यहाँ के लिए बड़ी इनकरेजिंग, बड़ी उत्साहवर्धक बातें की कि बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है संगठन के मुखिया का ये कहना मध्य प्रदेश के बीजेपी के कि यहाँ एक बड़ा ही आदर्श नेतृत्व उभरता हुआ सामने आ रहा है, ये आपका कहना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो लीडरशिप है आदरणीय भाऊ कांवरे जी भटेरे जी, वरिष्ठ पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक एक बात है कि आपका नेतृत्व प्रदेश बीजेपी संगठन के मुखिया उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसकी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए क्या हम उम्मीद करें? शरद जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं बालाघाट के नागरिकों के सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ।
भारत का जो नेतृत्व है आज का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी हमारे लोगों को ध्यान में होगा कि श्योपुर जिला चंबल रीजन का सबसे इंटीरियर जिला है और उस जिले के अंदर कोई कल्पना कभी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री हमारे कभी इस स्थान पर आएंगे। लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, साक्षी भी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कूनो अभ्यारण्य के अंदर चीतों का हस्तांतरण करने के लिए, देखिए भारत का प्रधानमंत्री किस बात के प्रति उनका लगाव है कि चीतों का हस्तांतरण करने के लिए, वो वैसे भी हो सकता था, वर्चुअली भी हो सकता था, या कोई आकर के वन मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री आके कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चीतों का हस्तांतरण, अफ्रीका से जो आए हैं, ये टाइगर स्टेट है लेकिन चीता स्टेट भी बनाना, मैं स्वयं जाऊंगा। और वो बालाघाट के अंदर, वहां श्योपुर के अंदर पहुंचे और श्योपुर के जनता ने कल्पना नहीं कभी की थी। तो भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं। अभी आपने देखा होगा मानगढ़ एक ऐसा स्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ट्रायंगल में बनता है। जलियावाला बाग से ज्यादा लोगों ने बलिदान, संघर्ष करते हुए मानगढ़ के अंदर दिया है। पर्दे के पीछे कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मानगढ़ जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव पर उन भूमि पर धूल वंदना करने के लिए मैं जाऊंगा कि उस मातृभूमि को, उस भूमि को मैं वंदना करना चाहता हूं जिन्होंने, जनजाति क्षेत्र के लोगों ने, 1500 से ऊपर लोगों ने बलिदान, उन जनजाति बंधुओं ने भारत की आजादी के लिए 1857 से पहले दिया, उस स्थान को चुनकर के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और दिन भर उन क्रांतिकारियों को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। तो बालाघाट भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा प्रयास तो होगा ही, माननीय प्रधानमंत्री कभी भी बालाघाट को चुन सकते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को, जनजाति छटा को और उनका जो लगाव है जनजाति क्षेत्र के बारे में, क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पर समाज में काम करते हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी का तो बहुत लगाव है। बालाघाट के अंदर तो विकास का उन्होंने एक झड़ी लगा दी है। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी भी, अगर आपने अपेक्षा की है हमारी जनता का, अगर इन सब का स्नेह भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी भी बालाघाट आ सकते हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। देखिए ये संगठन के मुखिया बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के दौरे का भी उन्होंने जिक्र किया मानगढ़ का, और ऐतिहासिक एक संदर्भ को भी उन्होंने कोट किया कि 1857 के पहले 1500 जनजातीय वर्ग के लोगों ने वहाँ अपना आत्मोत्सर्ग, अपने प्राणों की आहुति दी। बालाघाट की मैं बात करूँ तो मैंने सुना यहाँ आने के बाद कि दीपावली के बाद एक पर्व यहाँ मनाया जाता है गाँव में, और 15 दिनों तक करीब करीब स्थानीय लोकगीत, चुटकुले, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा होता है। लेकिन अब हर जगह एक चुनौती ये है कि कुछ दूसरी चीज़ें जिनको आप कहते हैं कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आती हैं। इसके लिए एक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, चाहे भाऊ हों या कांवरे साहब हों, ये दायित्व भटेरे साहब का है, बिसेन साहब हैं हमारे बीच में, और भी जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, कि लोगों को ये पता चले कि आप अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़े। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहे आदिवासी बोलियों का संरक्षण हो, उनका डिजिटाइजेशन हो, या लोकगीतों का संरक्षण हो, कल ऐसा ना हो कि हमें ये सब जानने के लिए म्यूजियम जाना पड़े। ये शरद जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र के अंदर या राज्य के अंदर, राज्य के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक कला संस्कृति से लेकर कई प्रकार की उन संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ मध्य प्रदेश में काम किया है। और आप देखेंगे बुंदेलखंड महोत्सव हो रहा है, बिंद उत्सव हो रहा है, मालवा के अंदर उत्सव हो रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो हमारी कला संस्कृति के जो पैचेज हैं। तो बालाघाट के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार के भी प्रयास हैं, और इस दिशा में और जो जरूरत होगी उन सारी चीजों के संरक्षण से लेकर उनके संवर्धन के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध तो है ही। लेकिन एक बात का मैं जरूर उल्लेख बालाघाट के बारे में करना चाहता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इसको लेकर के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
या उन सक्षम लोगों को इस बात को जरूर अवगत कराना चाहता हूं, और आप इसके बड़े माध्यम हैं। बालाघाट एक ऐसा जिला है इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे ध्यान में कि हम लोग संघर्ष करते थे छात्र जीवन में कि बेटी बचाओ का अभियान हम चलाते थे, और पंजाब में चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां कई जिले तो ऐसे थे कि बेटियां बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा, बेटियां पैदा होते से ही लोग, यानी बेटी उनके लिए अभिशाप बनकर के खड़ी है। महिला पुरुष रेशियो भारत के अंदर अगर देखेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो मुझे ध्यान में है कि जब हम लोग आंदोलन चलाते थे तब महिला पुरुष रेशियो 912 बेटियां पैदा होती थी और 1000 बेटे पैदा होते थे। सरकारों ने अभियान चलाया, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाडी लक्ष्मी अभियान चला। उस अभियान से सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ कि 912 के स्थान पर इन 15 वर्षों के अंदर आज 978 बेटियां पैदा होने लगी, एक सामाजिक परिवर्तन आया। सरकार किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाती है, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री का तो हृदय से धन्यवाद करता हूं, सरकार का भी, लेकिन मैं बालाघाट को नतमस्तक होकर के इस बात के लिए आज प्रशंसा करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में शुद्ध तौर पर उस सांस्कृतिक विरासत को कैसे संजो करके रखते हैं और वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री प्राप्त करना बड़े पदों पर आ जाना ये तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से एजुकेट मैं कह सकता हूं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी को अगर पुरस्कृत करना चाहिए इस दिशा में तो वो बालाघाट जिला है कि जहां लगातार 1000 बेटे पैदा होते हैं तो 1025 बेटियां बालाघाट के अंदर पैदा होती है, और शरद जी इस दिशा में उन बेटियों को लेकर जो बेटियां पैदा होती है, मतलब यहां की जो समुदाय है, यहां के हमारे जनजाति समुदाय के लोग हैं, हमारे यहां रहने वाले सब लोग हैं, यानी बेटियों को आज से नहीं वो लगातार बरसों से वरदान मान करके चलते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है। मैं सर्वाधिक एजुकेट किसी को मानता हूं तो मेरे जनजाति समाज के बाहुल्य के इस बालाघाट के सभी नागरिक बंधुओं को जिन्होंने इसको प्रमोट किया है, तो यह भी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसको बालाघाट जिले के अंदर नागरिकों ने, हमारे भाई और बहनों ने सहयोग करके और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री या देश दुनिया के अंदर बेटी बचाने के लिए आज अभियान चल रहे हैं, वहां इतना रेशियो लगातार मेंटेन होकर के काम कर रहा है, यानी मैं तो पुनः एक बार फिर बालाघाट के नागरिक और जनता को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। इस पर भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है कि बालाघाट में अगर ऐसा हो रहा है तो यानी इस दिशा में यह भी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है जिसको संजोकर और उसको पुरस्कृत करने की जरूरत है। बहुत सुंदर सर, ये बालाघाट से जुड़ा एक और प्रश्न, फिर कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर बात करके हम इस बातचीत को विराम देंगे। यहाँ डेवलपमेंट और विकास, इसकी चर्चा बहुत हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है, लेकिन जैसी अपेक्षा है उस अपेक्षा की पूर्ति ऐसा जनप्रतिनिधि भी मानते हैं और यहाँ की जनता भी मानती है कि उस दिशा में आगे बढ़ना है। बांस का यहाँ बहुत बढ़िया काम होता है, पूरी दुनिया में उसको दिखाया जा सकता है, यहाँ मैग्नीज की खदानें हैं, यहाँ कॉपर की खदानें हैं, और भी जो माइनिंग के काम यहाँ हैं उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, इसके लिए आपको लगता है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुझे लगता है कि संगठन के मुखिया ने बिसेन साहब, दो बिसेन साहब मूर्धन्य हमारे साथ हैं, सांसद जी, भी बैठे हैं, मौसम जी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, कि आप एक बालाघाट महोत्सव क्यों नहीं करते, पूरी तैयारी है, सरकार आपकी तैयार है बिल्कुल करने के लिए बालाघाट महोत्सव। जी बिसेन साहब ने बता दिया, तो इनको माइक्रोफोन दीजिए जी, जी जी बालाघाट महोत्सव का और विराट स्वरूप कर दीजिए सर, क्यों, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आपके संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हम जी, तो सर इसके लिए आप क्या सोचते हैं यहाँ पे जी? मैं बीच में कहना चाहूंगा, यहाँ पे बैगा महोत्सव भी होता है और यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो इस वर्ष माननीय मोदी जी का हम सबको एक तौर से इशारा था, आजादी का 75 वर्षगांठ, धूम
बढ़िया, बहुत बधाई आपको। कैसे देखते हैं आप इसको जी? सर जी, डेवलपमेंट के मामले में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है, आपने मैग्नीज कहा, कॉपर माइंस की खदानें भी यहाँ पर हैं, और बांस के मामले में भी तो ऐसा माना जाता है ये ग्रीन गोल्ड है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से बालाघाट बांस उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला है। और आप यहां भी देख रहे हैं इस हॉल के अंदर भी, तो आपको बांस की चीजें ही दिखाई देती हैं। तो इसलिए बांस पर फोकस करके, बांस विकास निगम से लेकर के कई प्रकार की जो चीजें सरकार ने इसमें जो एक मार्जिनल इंडस्ट्रीज जो शुरू की है, उसमें बालाघाट को भी अवसर देने का काम, नए नौजवानों को अवसर उसके लिए मिले, ये भी सरकार ने बेहतर तरीके से प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि बांस को लेकर इस दिशा में कई कदम सरकार ने उठाए हैं, और बालाघाट के लोगों को, खासतौर पर जो स्व सहायता समूह है, बैयर से लेकर के हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, यहाँ मुझे जानकारी में आया कि लगभग 1200 स्व सहायता समूह में 154,000 लोग उनके साथ परिवार जुड़े हुए हैं, और उसमें बांस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि बांस के प्रोडक्ट बनाना। और इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि एक नया क्लस्टर शुरू किया है सरकार ने, ये फर्नीचर क्लस्टर, और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो शुरुआत की है, उस रोड मैप में बालाघाट को फर्नीचर का क्लस्टर जो बनाने का काम किया है, उसमें बांस बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि फर्नीचर में बांस का बड़ा उपयोग होगा। दूसरा, ये जो अगरबत्ती निर्माण से लेकर के कई प्रकार की जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी के साथ ये काम कर रही है, और बालाघाट को तो केंद्र राज्य सरकारों ने दोनों ने सब्सिडी देने का काम, और लोगों को, ऐसे जो नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको अवसर दिया है। तो बालाघाट में भी इसकी बेहतर शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से रोजगार भी लोगों को मिलेगा। ये कॉपर माइंस और मैगनीज को लेकर, अभी परसवाड़ा के अंदर मुझे रामकिशोर बता रहे थे कि परसवाड़ा के अंदर इन्वेस्टर्स मीट इस बात के लिए हुआ, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जब होगा, और इसकी जो शुरुआत हुई अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो उसके कारण से जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी स्थानीय नागरिकों को, नौजवानों को मिलेगी, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने बालाघाट के अंदर परसवाड़ा में उससे संबंधित उद्योगपतियों को बुलाकर और उनसे ये जो MOU साइन हुए हैं, ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि बालाघाट के लिए एक अच्छे साबित होंगे, और उसके आधार पर लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो बालाघाट इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और सरकार भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की पूरी तवज्जो है। कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ मैं आता हूँ। आप प्रधानमंत्री को बहुत नज़दीक से, एक सांसद के तौर पर भी आपने उनकी वर्किंग को देखा है, बहुत बहुत आकांक्षी हैं वो विकास को लेकर, हर चीज़ रिटर्न में हो, मीटिंग्स में, जैसा मैं सुनता हूँ कि आप लोगों के साथ वो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे तो कई बार लगता है, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, कि आगे जाके वो जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन को लेकर भी कोई रैंकिंग निकाल देंगे प्रधानमंत्री जी, कि बताइए भैया आपकी रैंकिंग क्या है, और रैंकिंग जारी करिए। और लोकतंत्र में रैंकिंग तो 5 साल में है ही, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सोचते हैं, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप थोड़ा फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है, लेकिन जैसे हम देखते हैं मालवा को, अक्सर ये बात आती है, आप भी जानते हैं, वहाँ जो, यहाँ भी मैं देखता हूँ कांग्रेस बीजेपी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और विकास के लिए वो समर्पित है, ये भाव किसी भी शहर को आगे ले जाता है, इंदौर को ले गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता तो है, लेकिन दुश्मनी नहीं है जी, परेशानी नहीं? ये सर जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मध्य प्रदेश में अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चूंकि मैं भी लगातार छात्र राजनीति में भी काम किया, और प्रत्यक्ष राजनीति आने के बाद भी मैंने जो देखा है, विकास के मुद्दे पर ये प्रयास हमारा भी रहता है और होना भी चाहिए कि विकास के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, और ये प्रयास भी मध्य प्रदेश के अंदर होता है, और खासतौर पर महाकौशल का जो रीजन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाकौशल रीजन में ये स्प्रिट और ज़्यादा है, मालवा में भी है, महाकौशल में भी स्प्रिट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष तौर पर ये भूमिका में देखा है इस काम को। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि विकास के मुद्दे पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो,
विकास यानी सोसाइटी के लिए है, समाज को आगे ले जाने के लिए है, हम सबके कल्याण के लिए है। कोई केवल बीडी शर्मा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, ये तो समाज और सोसाइटी के लिए है। हम उसके माननीय प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हमें जिम्मेदारी दी है जनता ने, चुन करके भेजा, और हमारी सरकार अगर बना करके भेजी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ हम जनता को उन बातों को उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। तो प्रधानमंत्री का इस पर सबसे बड़ा फोकस है। अभी डाल सिंह जी बैठे वो तो जानते हैं कि आपने ठीक कहा कि रैंकिंग होना शुरू हो गई है कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, आपने जो कहा था वो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर कितना उतारा है। आयुष्मान भारत के कार्ड में गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार सरकार देती है, तो आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों तक इस अधिकार को पहुंचाया जिससे वो लाभान्वित हो सके, ये रैंकिंग है इस बात की। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ और विकास के मुद्दे पर मैं तो ऐसा मानता हूं कि सभी दलों ने, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे हमें और भी किन्हीं मुद्दों पर किन्हीं पैरामीटर्स में अपने जिले को अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात हो, एजुकेशन हेल्थ की बात हो, इन सारे मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही काम करना मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छा होगा। बाकी चीज़ें तो राजनीति में होती रहती हैं और ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। संगठन और सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुखिया हैं, आप संगठन के मुखिया हैं, जितना बेहतर समन्वय सत्ताधारी दल में सरकार और संगठन के बीच होता है उतनी संभावनाएं विकास और जीत की उज्ज्वल होती चली जाती है। संगठन के मुखिया आप हैं और बेहतर तालमेल के साथ आप मुख्यमंत्री जी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। किस तरह से, मैं संगठन की आपसे खास तौर पर बात करूंगा, संगठन गढ़े चलो ये बीजेपी का नारा है, किस तरह से आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल हम इसी समय चुनाव में व्यस्त होंगे, कितना आप आश्वस्त करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता को भी, और क्या आपका दावा है कि 2023 पांचवी बार बीजेपी का होगा? शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं, उससे आप तय कर सकते हैं, आप तो इतने बड़े नेटवर्क को देखते हैं। इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारी ये जो नेतृत्व है, ये इस नेतृत्व का जनता का इस नेतृत्व के प्रति अथाह विश्वास जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। गरीब कल्याण की वो योजनाएं जो केवल नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर के मध्य प्रदेश की संबल योजना से लेकर 43 लाख लाडी लक्ष्मियां खड़ी हो जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये गरीब कल्याण की योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचार पर दी, जिस विचार के कारण से सरकार बनी, तो उस विचार की प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हमारा नेतृत्व कहता है कि इन पर गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। और फिर वो कार्यकर्ता जिसको हम देव दुर्लभ कहते हैं, बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बालाघाट के इंटीरियर से इंटीरियर में वो उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होता है, इस विचार के लिए, ये भाजपा की ताकत है। तो मैं तो शरद जी बड़े कॉन्फिडेंट होकर के इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र के अंदर होगी 2024 होगा या 2023 होगा, पांचवी बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति जनता का जो विश्वास है, हम 2023 में भी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे और ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके आएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, निश्चित तौर पर, कि जिस संकल्प को आप यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, ये भी एक नारा इन दिनों हमने खासतौर से उत्तर प्रदेश के बाद खूब सुना है। क्या अब केंद्र की जो आपकी इकाई है उसने ये एक नया समीकरण गढ़ा है कि अब वो राज्य, क्योंकि ये 3 राज्य जो 2023 में चुनाव में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये कांग्रेस के दबदबे वाले
मैं ना भी कहूँ तो, लेकिन दो ही दलों की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा नज़दीकी मुकाबला होता है, तो क्या ये डबल इंजन इन तीन राज्यों में भी अपना असर 2023 में दिखाएगा क्योंकि चुनाव साथ में ही है? डबल इंजन की सरकार बिल्कुल इस बात का असर दिखाएगी नहीं, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव जब हुए सर जी, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं की जो ताकत थी और जनजातीय क्षेत्र के अंदर जहां कभी कभी कांग्रेस को या लोगों को लगता था कि बालाघाट से लेकर के छिंदवाड़ा और मंडला डिंडोरी या झाबुआ अलीराजपुर के अंदर जनजातीय क्षेत्र में जरा कुछ प्रॉब्लम है, आज मुझे तो कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंस है कि 40 जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो चुनाव हुए उनमें से 31 पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, ये सिद्ध करता है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में, चाहे छत्तीसगढ़ होगा चाहे राजस्थान होगा, राजस्थान के अंदर तो आप देखेंगे दृष्टि बदल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी परिस्थितियां बदली हैं, मध्य प्रदेश के अंदर तो आज इस दिशा में हम अपने संगठन की ताकत, नेतृत्व के प्रति विश्वास और अपनी उन योजनाओं के आधार पर और विकास, विकास एक बड़ा पहलू है मध्य प्रदेश के अंदर, सड़क बिजली पानी अब इशू नहीं है, अब इशू है कि मेरे यहाँ सीएम राइज स्कूल, मेरे बच्चे को जो गरीब का बेटा है वो कैसे पढ़ेगा। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे युवा मोर्चे के वर्ग में कि 60 लाख तक फीस जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है हमारा बच्चा मध्य प्रदेश का, उसकी फीस देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करती है, चाहे विदेश में पढ़े या देश के अंदर पढ़े, ये किसी सरकारों ने नहीं किया। हर स्तर पर गरीबों का कल्याण और उनके साथ सरकार कैसे खड़ी होगी, तो ये बेहतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस प्रबंधन को किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर, केवल कोई बयानबाजी नहीं है, इस आधार पर ताकत के साथ जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जिस पर मैं ठिठका, कि अब सड़क बिजली पानी विकास का एक प्रतिमान नहीं है, अब मतदाता ये चाहता है कि उसका बच्चा श्रेष्ठ स्कूल में पढ़े, उसकी जेब में एक ऐसा कार्ड हो आयुष्मान कार्ड जैसा जहां उसको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिले और नौकरी या रोजगार के लिए उसके अपने गृह राज्य में अवसर मौजूद हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, सवाल कई हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अभी व्यस्तता और आपका अपना एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत संक्षिप्त सूचना पर इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया और आप यहाँ पहुँचे, और जनजातीय बहुल इस जिले से आपका प्रेम हमने बार बार अनुभव किया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे लेकिन उससे पहले 30 सेकंड का वक्त लूंगा। SRL स्कूल से अक्षय बैद आ जाएं, कुलदीप चौरड़िया जी यहाँ आ जाएं, आप दोनों की ट्रॉफी रह गई थी वो भाई साहब देंगे, आप हमारे स्पॉन्सर्स हैं, आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, आप जल्दी आ जाएं महज 30 सेकंड के अंदर। अक्षय बैद जी, कुलदीप चौरड़िया जी, हमारे बीच समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा जी मौजूद है। संजय जी आप यहाँ आए, आपको हम बंसल न्यूज की तरफ से सम्मान ट्रॉफी देना चाहेंगे संजय जी। इसके बाद अगले 10 मिनट में VD शर्मा जी भोजन ग्रहण करेंगे। आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप भोजन स्थल पर जाएं। इस कार्यक्रम को गरिमा बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि आप भोजन स्थल पर जाएं। हमारे साथ माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मौजूद हैं, आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे जी मौजूद हैं, श्री रमेश भटेरे जी मौजूद हैं, हमारे बीच बालाघाट के ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।